निर्वाचन में लगे कर्मचारियों को वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर नाराजगी। देवास जिले की विभिन्न तहसीलों के कर्मचारियों को इस विधानसभा क्षेत्र से अन्य विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन हेतु भेजा गया। पूर्व के चुनाव में प्रशासन कर्मचारियों को आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करता था, लेकिन बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस बार प्रशासन ने कर्मचारियों को भेजने के लिए वाहन की व्यवस्था नहीं की। अकेली खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1 से 1.5 हजार कर्मचारी जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन हेतु जाएंगे। कर्मचारियों की वाहन व्यवस्था न होने से उन्हें अपने कर्तव्य स्थल में पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। समस्त कर्मचारी प्रशासन से अपील करते हैं कि उनके जाने के लिए वाहन की अनुकूल व्यवस्था करें, अन्यथा कर्मचारी जाने में असमर्थ रहेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। जिस तरह से आवागमन की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था निर्वाचन आयोग के द्वारा होती थी, इस बार ठीक उसके विपरीत परिस्थिति है। सीधे सीधे आदेश है, अपने वाहनों से जाना है और अपने वाहनों से आना है, तो ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जितने लोग लगे हैं चुनाव में, उन सभी की व्यवस्था नहीं हो सकती है कि वो सुबह 7 बजे देवास के लिए प्रस्थान करें। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था आवागमन के लिए नहीं है। जब रात्रि को चुनाव देवास में जितने लोग जा रहे हैं, सोनकच बागली हट पिपलिया में जो लोग लगे हैं, जब वो रात को 8 बजे वहाँ आएंगे, तो आने के लिए उनके पास पूरी रात तक कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बस का साधन नहीं है जिससे वो अपने घर समय से आ सके। समस्या का समाधान करना होगा, अभी का होगा करना होगा, समस्या का समाधान करना होगा, करना होगा, करना होगा, वाहन व्यवस्था करना होगी, करना होगी, करना होगी।